दोस्तों, वर्मा जी के यूं तो कई मंदिर हैं, लेकिन एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के पुष्कर में है। शैव और शाक्त आगम संप्रदायों की तरह ही वर्मा जी की उपासना का भी एक विशिष्ट संप्रदाय है, जो बेखानस संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। माघव संप्रदाय के आदि आचार्य भगवान वर्मा जी को ही माना जाता है, इसलिए उडुपी आदि मुख्य मध्य पीठों में इनकी पूजा आराधना की विशेष परंपरा है। देवताओं तथा असुरों की तपस्या में प्राय सबसे अधिक आराधना इन्हीं की होती है, लेकिन प्रचलित समाज में इनकी पूजा कोई नहीं करता और न ही इनके नाम का कोई व्रत या त्योहार है। आखिर ऐसा क्यों? इसके कई कारण बताए जाते हैं, इनमें से प्रमुख तीन कारण आप जानिए। नंबर एक, पुष्कर में वर्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का समय निकल रहा था, लिहाजा वर्मा जी ने एक स्थानीय ग्वाल माला गायत्री से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। जाट इतिहास के अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी और जाट ही थी। सावित्री थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन यज्ञ में अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर वह गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने वर्मा जी को श्राप दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता लोग डर गए। उन्होंने उनसे विनती की, अपना श्राप वापिस ले लीजिए। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी, कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनवाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। वर्मा जी ने पुष्कर झील के किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में अनादि काल से यह कार्तिक मेला लगता आ रहा है। यहाँ विश्व में वर्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पीछे रत्नागिरी पहाड़ पर जमीन तल से 2369 फुट ऊंचाई पर वर्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। झील की उत्पत्ति के बारे में किंवदंती है कि वर्मा जी के हाथ से यहीं पर कमल के फूल गिरने से जल प्रफुटित हुआ, जिससे इस झील का उद्गम हुआ। राजस्थान में अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। पुष्कर के उद्गम का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। नंबर दो, प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड की थाय लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु जी और वर्मा जी को भेजा तो वर्मा जी ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। नंबर तीन, जगत पिता वर्मा जी की काया सुंदर और मनमोहक थी। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी नाम कामासक्त हो गई और वह समाधि में लीन वर्मा जी के समीप ही आसन लगाकर बैठ गई। जब वर्मा जी की तांद्रा टूटी तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी, आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हो? मोहिनी ने कहा, हे वर्मा देव, मेरे तन और मन आपके प्रति प्रेम मस्त हो गया है, कृपा आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। वर्मा जी मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उसे नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी वर्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से रिझाने लगी। वर्मा जी उनके मोह पास से बचने के लिए अपने इष्ट देव
श्री हरि को याद करने लगे। उसी समय सप्त ऋषियों का बर्मा लोक पर आगमन हुआ। सप्त ऋषि ने बर्मा जी के समीप मोहिनी को देखकर उनसे पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? बर्मा जी बोले, यह अप्सरा नित्य करते करते थक गई है, विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्त ऋषियों ने अपने योग बल से बर्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुरा कर वहां से प्रस्थान कर गए। बर्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया। अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है। आपने तभी मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो जगत में आपको पूजा नहीं जाएगा। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे।